आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मनरेगा महिला मीट के बारे में कुछ ज़रूरी सूचना देने वाले हैं, तो वीडियो पर थ्रू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ना तो लाइक करते हैं वीडियो को। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो ज्वाइनिंग को लेकर के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, उसके बारे में भी हम आपको कुछ जानकारियां यहां पर देंगे, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि मनरेगा मिट बनने के लिए आपको जॉब कार्ड ज़रूरी है, ठीक है। और भी कुछ जानकारियाँ मैंने उस वीडियो में दी है, जिसने नहीं देखा है जा करके एक बार चेक कर लें, ठीक है। और वैसे हम आपको बता दें, जॉब कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉब कार्ड बनवा लीजिए, उसके बगैर ज्वाइनिंग नहीं होगी। और अभी तक किन किन लोगों ने जॉब कार्ड नहीं बनवाए हैं या फिर बनवा लिए हैं, मिल गया है या नहीं मिला है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका जिसका जॉब कार्ड बना है, किसका किसका नहीं बना है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपको बताएँगे क्या कैसे करना है आपको, ओके। और एक चीज़ मैंने ये भी आपको बताई हुई थी कि जॉब कार्ड के बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, और जॉब कार्ड बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी जॉब कार्ड नहीं बन जाता है। आप देंगे बनने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है, तो जाकर के जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड बनवाइए, इसी वजह से आपके ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है, ठीक है। जब तक आपका जॉब कार्ड नहीं आएगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि जब आप जॉब कार्ड बनवाएंगे तो उसको आपको लेकर अपने ब्लॉक में NRLM ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके जॉब कार्ड की फीडिंग होगी और उसके बाद आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और इसीलिए हम आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जॉब कार्ड के लिए, फिर भी आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे और मैंने कोई आंसर आप लोगों को नहीं दिया फ़िलहाल के लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताया भी था पहले भी कि जॉब कार्ड बनवाइए बनवाइए, तो जॉब कार्ड जो बनवाए हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं बनवाए हैं उनके उन्हीं के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। और वैसे तो ब्लॉक वाले बनवा दे रहे हैं जॉब कार्ड, जिन महिला मेट जो बनी हैं उनका विशेष रूप से, और उसी को बनने में थोड़ा समय लग रहा है, और जब तक बनेगा नहीं तब तक ज्वाइनिंग होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको जॉब कार्ड मिलने के बाद आपको देना है, मैंने जैसे कि आपको बताया, उसके बाद फीडिंग होगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा और ऐसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त जो हाल में पता लगी है बातें, वो हम आपको बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा फीडिंग होने के बाद। जब आप अपना जॉब कार्ड जमा करेंगे, फीडिंग होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। जिसकी जहाँ पर मतलब जिस ब्लॉक में सभी का जॉब कार्ड वगैरह बन गया है, उस जॉब का उस ब्लॉक में ज्वाइनिंग दे दी जा रही है, ठीक है। और जहाँ पर नहीं बना है वहीं पर थोड़ा सा लेट है। और हम आपको बता दें कि मैंने भी जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और जब ट्रेनिंग हुई थी ना तभी अप्लाई किया था मैंने, और हो चुके हैं करीब 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, और कल जा कर के मिलेगा। यानी कि आज जो दिन है वो है सैटरडे और संडे, संडे को जा कर के मेरा जॉब कार्ड मिल जाएगा। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएँगे, जानकारी भी देंगे क्या कैसे है, किस तरह का जॉब कार्ड होता है महिला मेट का, और कैसे क्या करना है, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार मिल जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाना चाहते हैं, नहीं तो हम अभी तक आप लोगों को बता दें। और एक चीज़ और हम आप लोगों से कहना चाहते थे, किसी का कमेंट आया हुआ था मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में वीडियो बनाइए, तो देखिए उसके बारे में भी हम बहुत जल्द वीडियो लेकर के आएँगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम और ये जो मनरेगा का है, मनरेगा मिट बनने के लिए उनको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से ही भी आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी जो मजदूर हैं उनकी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी है उस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानना, उसके बारे में बहुत जल्द हम वीडियो लाएंगे, देखते हैं 2-4 दिन में वीडियो ला पाएंगे तो ठीक है, और कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द वीडियो लाने की, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए इसके लिए कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ था, तो बस बहुत जल्द हम वीडियो बना देंगे। पहले जॉब कार्ड आ जाए उसके बारे में हम आपको बता दें, और उसके बाद हम आपको सारी जानकारियाँ दे देंगे। और हाँ, एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे, ज्वाइनिंग को लेकर के मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपकी हो गई ज्वाइनिंग, क्या आपकी हो गई, क्या अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बस होने वाली है क्योंकि मेरा जॉब कार्ड बन चुका है
और कल मुझे मिल जाएगा संडे के दिन, और संडे के दिन मिल जाएगा तो हम मंडे को वहाँ पर अपने ब्लॉक में ले जा कर के जमा कर देंगे और मेरी फीडिंग हो जाएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम आपको बताएंगे जैसे ही होती है सारी जानकारी देंगे किस तरह से ज्वाइनिंग होती है किस तरह से नहीं, कि आप सभी को भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो देखने के बाद किस तरह से ज्वाइनिंग होने के बाद क्या करना पड़ता है और क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है और क्या कैसे है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है किस प्रकार से। इसके अलावा महिला मीट को लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और इसका एक ऐप है जो मनरेगा मीट का है, इसका एक ऐप है मोबाइल ऐप, ठीक है, उसी को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी से आपको मतलब ज़्यादातर काम मॉनिटरिंग सिस्टम से ही आपको करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि जो ऐप रहेगा उसी से उसी में फ़ोटो भी खींच करके अपलोड करना पड़ेगा, जितने मज़दूर काम कर रहे हैं, आपने कितना काम एक दिन में कराया है और कैसे क्या है पूरी जानकारी आपको फ़ोटो खींच करके भी अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे कि हम मतलब जब हम अपनी ज्वाइनिंग करा ले रहे हैं लेकिन हम किसी और को अपने स्थान पर भेज देंगे, तो ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी हाजिरी भी लगेगी वहाँ पर और आपको फ़ोटो खींच कर भी अपलोड करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि आप उस स्थान पर मौजूद हैं या नहीं हैं। और समय समय पर अधिकारी भी आपके जाँच करने के लिए आते रहेंगे, ठीक है, ये बात है। और उसके बाद आपके साथ रोज़गार सेवक भी रहेंगे जो आपके ग्राम पंचायत के होंगे रोज़गार सेवक, आप पता कर लीजिएगा और उन्हीं के माध्यम से आपका जॉब कार्ड भी बन जाएगा, ठीक है। और नहीं बनता है तो आप अपने यहाँ पर अपने ब्लॉक में जा कर के पता कर सकते हैं इसके बारे में और बनवा सकते हैं जो लोग नहीं बनवाए हैं और जो चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए और वो अपना अपना जॉब कार्ड बनवाएं। और जिसका जॉब कार्ड बना है किसका नहीं बना है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और उसके अनुसार हम देखेंगे क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, और पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसी वजह से मेट वाली कोई वीडियो हम नहीं ला रहे थे, अभी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आपने बोला है तो उसकी भी वीडियो हम लाएंगे जैसे आप लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेट बनना है तो मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। और बहुत महिलाएँ ऐसी हैं जो अभी तक मोबाइल स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती हैं, बाकी वो जो मतलब कि बटन वाली मोबाइल होती है उसको तो सभी चला लेते हैं, स्मार्टफोन काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं चलाना जानती हैं। तो आप लोग भी सीख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है थोड़ा, क्योंकि जब आप जब मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन चलाना ही आपको नहीं आएगा तो आप किस तरह से मतलब अपने काम को करेंगी, आप काम को मैनेज कर पाएंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना अपना सीख लीजिए आप लोग, अभी आपके पास कुछ तो टाइम है ही, अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द सभी ब्लॉक्स में सभी ज़िलों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, जहाँ पर ये सारे प्रोसेस कम कि मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ज्वाइनिंग को लेकर के बिल्कुल भी ना परेशान हो, जैसे ही ज्वाइनिंग के बारे में कोई सूचना आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे, अगर मेरी होती है तो भी हम आपको बता देंगे तुरंत ही, चाहे मुझे शॉर्ट वीडियो अपलोड करके बताना पड़े बता देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थैंक यू।